नरवर में बीती रात बदमाशों ने व्यापारी के साथ लूट करने का असफल प्रयास किया। इससे नाराज व्यापारियों ने एकजुट होकर सीएम के साथ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। इसकी शिकायत नरवर थाने में भी दर्ज कराई गई है। व्यापारियों का कहना है कि नरवर नगर में आए दिन चोरी और लूटपाट की वारदातों में इजाफा हो रहा है, जिससे नगर के व्यापारियों में डर बना हुआ है। वहीं थाना प्रभारी नरवर ने लूट की कोई घटना होने से इनकार कर दिया। व्यापारी सतीश जैन ने बताया कि नरवर नगर के धुवाई चौराहे पर वह किराने की दुकान संचालित करते हैं। बीती रात लगभग 8 बजे अपनी दुकान बंद करके अपने भाई के साथ बाइक से घर की ओर जा रहे थे, तभी आला राठौर के घर के सामने वाली गली में तकिया के पास 3 बाइक सवार बदमाश आए और उन्होंने आंखों में स्प्रे डालते हुए बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन दोनों भाइयों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके चलते तीनों बदमाश बाइक लेकर भाग निकले। बदमाशों की लूट का प्रयास असफल रहा। व्यापारी सतीश जैन ने बताया कि 19 मार्च 2019 को रात के अंधेरे में बदमाशों ने उसके चाचा विमल जैन के साथ भी लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसमें बदमाश बैग में भरे लाखों रुपए लेकर भागने में कामयाब हो गए थे और आज एक बार फिर उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया गया। नरवर के व्यापारियों ने आज एकजुट होकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा है। उक्त ज्ञापन के माध्यम से बढ़ती वारदातों पर लगाम लगाए जाने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि अगर भविष्य में ऐसे ही घटनाएं होती रही तो उन्हें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। नरवर थाना प्रभारी आलोक सिंह भदौरिया का कहना है कि इस प्रकार की लूट की वारदात की कोई घटना बीती रात घटित नहीं हुई है। लूट के बाबत लूट के उस पर लूट की घटना हुई मेरे साथ। हाँ। ऐसा मेरे साथ छीना चपटी करने की कोशिश की कुछ अज्ञात लोगों ने, स्प्रे भी डाली मेरी आंखों पर। मेरा भाई साथ में था मेरे। कितने लोग थे वो? वो 3 लोग थे। उन्हें बस हम जा रहे थे, दुकान बढ़ाकर आ रहे थे, उन्हें स्प्रे का प्रयोग करके आंखों में डालने की कोशिश की। पहले भी 2019 में हुई है, विमल चाचा के साथ हुई थी लूट की घटना, उसका भी कुछ नहीं हुआ। इसी का भी कुछ नहीं हुआ अभी तक।